लंदन से 620 मिलियन छलकत हमरो जवनिया 535 मिलियन राजा जी खून कर दा 286 मिलियन नमरिया कमरिया में खोस दी 262 मिलियन नी देख के तू आइला का कहिला मीठा मीठा बाथे कमरिया हो मीठा मीठा बथा था कमरिया 260 मिलियन वर्ल्ड वाइड भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर वन म्यूजिक कंपनी। जी हाँ, ये एक ऐसा कंपनी है जो कि भैया ए ग्रेड में आता है, यानी कि यूट्यूब की कैटेगरी में, जी हाँ, एक नंबर पर, यानी कि ए प्लस के कैटेगरी में आता है। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है। हालांकि कई सारी म्यूजिक कंपनियां हैं, लेकिन एक कैटेगरी में कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं, जैसे बड़ी कंपनियां हैं उस तरह से, लेकिन हम वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड पे आप ट्रैक पे जाओगे भैया, तो भैया सब गाने आप देखोगे, भैया गाने चले या फिर ना चले एक अलग बात होती है, लेकिन गाने की क्वालिटी भैया मेंटेन है। भोजपुरी में लोग कहते हैं कि भैया साफ सुथरे गाने नहीं बनते, तो भैया आकर इस चैनल पर विजिट करो, क्या खाटी अंदाज होता है, जो भोजपुरी का देसी खाटी अंदाज होता है उसी अंदाज में गाना बनाया जाता है। अगर उसको मिक्सअप भी किया जाता है वेस्टर्न टाइप में, तो भाई हाई लेवल का पीच लेवल मिक्स किया जाता है। वर्ल्ड वाइड के कई सारे रिकॉर्ड नाम है। दुबई में शूटिंग करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सबसे पहले वर्ल्ड वाइड के नाम है। जी हाँ, पहले ऐसे म्यूजिक कंपनी है जो भोजपुरी स्टार के तमाम एल्बम वाले सिंगरों को उठा के दुबई ले गया जाया गया, वहां पे भर भर के शूटिंग किया गया और वहां से फिर गाने रिलीज किया गया। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन वर्ल्ड वाइड में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हाई लेवल के गाने, यानी कि यूं कहें आजकल जो गाने आप देख रहे हैं महंगे महंगे सेट के डिजाइन किए जा रहे हैं, सबसे पहले कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड ने इसकी शुरुआत किया था। जी हाँ, आपको याद हो या फिर ना हो, पवन सिंह और रानी चटर्जी का गाना पटालोगी या फिर कुछ ऐसे ही गाना था, रानी चटर्जी को लेकर रैप सॉन्ग था गाना, ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का पिच का गाना था, यानी कि यूं कहें हाई लोकेशन था, बजट हाई थी, सब चीज़ स्टार्ट किया गया था। और यही गाने के बाद से ही भोजपुरी की कई सारी बड़ी कंपनियां इसमें कूदरी, यानी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ी सारी कंपनियां कूदी और फिर कहती है कि भैया हमने गाने का लेवल चेंज किया, तो सॉरी टू से वर्ल्ड वाइड ने ही इसका शुरुआत कर दिया था। और अब गाने की बात करें, सिंगल ट्रैक काफ़ी सारा हिट दे चुका है वर्ल्ड वाइड, और अब वर्ल्ड वाइड का एक और नया कारनामा हो चुका है। जी हाँ, 35 मिलियन यानी कि 35M सब्सक्राइबर वर्ल्ड वाइड को पूरा हो चुका है। तो भाई इसका श्रेय किसको जाता है? मिस्टर रत्नाकर कुमार। जी हाँ, यानी कि वर्ल्ड वाइड के ऑनर मिस्टर रत्नाकर कुमार की जो कंपनी है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी, हालांकि और भी कंपनियां, ये बड़ा है इसमें, भोजपुरी के साथ साथ हिंदी भी है, झारखंडी भी, अभी झारखंड का भी सेक्शन चालू हुआ है, पंजाबी सेक्शन भी है, हरियाणवी सेक्शन भी है, मतलब कुल मिला के चाहे वर्ल्ड वाइड जो इंडिया है वो हर भाषा में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन भोजपुरी का ये पैटर्न कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, कुछ ज़्यादा क्या, नंबर वन बड़ा है। तो ऐसे में भाई वर्ल्ड वाइड का एक नया कारनामा, 35 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं, एक इन्फॉर्मेशन देता हूं कि भाई वर्ल्ड वाइड क्या कर रही है। हालांकि वर्ल्ड वाइड के साथ कई सारे फिल्में भी नहीं बनाई हैं और जो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज्यादा सुपर डुपर हिट रहा, हाल ही में उनका रिलीज फिल्म संघर्ष 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया और खेसारी लाल यादव को एक नया मुकाम भी कहीं ना कहीं दिया गया है कि फिल्म का एक रूप बनाकर। साथ ही साथ कई सारी फिल्में पाइपलाइन पे हैं जो आएंगी फ्लोर पर, और साथ ही साथ एक से एक बढ़कर एल्बम आपको डेली सुनने को देखने को मिलता ही है। फिलहाल कुछ कहना हो इस खबर के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।